क्रिकेट के नियमों को बनाने वाली मेरिलबोन क्रिकेट क्लब ने बुधवार को खेल के कई नियमों में बदलाव किए हैं, जिसमें सबसे अहम मॉकडिंग का नियम है। एमसीसी ने दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाजों को रनआउट करने संबंधी नियम को अब अनफेयर प्ले की श्रेणी से हटा दिया है और अब मॉकडिंग को रनआउट माना जाएगा। इस नियम के बदलाव के साथ ही रविचंद्रन अश्विन सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगे हैं। इस नियम के बदलने पर टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने तो अश्विन को बधाई ही दे दी। वीरेंद्र सहवाग ने अश्विन को साथ ही इस तरह के और रनआउट करने की भी सलाह दी। सहवाग ने कहा कि उन्हें आईपीएल 2022 में जोस बटलर के साथ ऐसा मिलकर फिर से करना चाहिए। सहवाग ने अपने ट्वीट में लिखा, अश्विन ये हफ्ता शानदार रहा। पहले तुम भारत के दूसरे सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने और अब मॉकडिंग का नियम बदला है। अब बटलर के साथ मिलकर इस तरह के रनआउट करने की तुम्हें पूरी आजादी है। एक बार फिर से इसे जरूर ट्राई करना। आपको याद दिला दें, 2019 आईपीएल में अश्विन ने राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल रहे जोस बटलर को मौकंड आउट किया था। बटलर 69 रनों पर खेल रहे थे और वो अश्विन के गेंद फेंकने से पहले ही क्रीज से बाहर चले गए थे। अश्विन ने इस दौरान उनकी बेल्स गिरा दी, जिसके बाद अंपायर ने बटलर को आउट दे दिया था।